दुनिया के हर कोने में रोज न जाने कितने मर्डर्स होते हैं, कभी पैसों के लिए तो कभी दुश्मनी में। लेकिन कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान मर्डरर बनता कैसे है? ऐसा क्या होता है उस इंसान के साथ कि उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता? ऐसा ही कुछ हुआ फ्रेडी के साथ। एक सीधा साधा डेंटिस्ट, एक लड़की के प्यार में डूबा हुआ, कर बैठा एक मर्डर। क्या फ्रेडी अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? वॉच फ्रेडी स्टारिंग कार्तिक आर्यन, स्ट्रीमिंग नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट, ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और आज खूनी मंडे पर हम भी आपको बताएंगे एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री के बारे में। खूनी मंडे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रेजेंट्स साइको। दोपहर के 2 बजे बैंगलोर के एक 2BHK फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से एक 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसी थी जैसी बैंगलोर पुलिस ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के सर पर एक गहरी चोट लगी थी और पूरे चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए थे। उस लड़की की बॉडी का रंग नीला पड़ चुका था और उससे एक बहुत अजीब सी महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई दिन बीत चुके हों। वो लाश अनीशा की थी। अनीशा दिल्ली से बिलोंग करती थी और बैंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करती थी। ये मामला बैंगलोर पुलिस के सामने तब आया जब अनीशा की ऑफिस कलीग और दोस्त सृष्टि ने पुलिस को फोन करके सब बताया। अनीशा कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। सृष्टि जब उसके घर गई और उसने अनीशा के फ्लैट का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। वो फ्लैट के अंदर घुसी तो उसने देखा कि अनीशा के बेडरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा रहा था क्योंकि उन्हें वहां ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही घर में कोई चोरी के साइंस और ना ही किसी तरह का कोई सबूत मिल पा रहा था। सृष्टि ने पुलिस को बताया कि अनीशा उस फ्लैट में अभी हाल ही में शिफ्ट हुई थी और जब से वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब से उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया था। अनीशा जो सबसे पहले ऑफिस आ जाया करती थी अब सबसे लेट ऑफिस पहुंचती थी। हमेशा सबके साथ घुल मिल के रहने वाली अनीशा एकदम से शांत और चिड़चिड़ी हो गई थी और हमेशा किसी ना किसी को उसको उसके घर तक छोड़ने पर इंसिस्ट करती थी। जब पुलिस ने अनीशा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों में कोई अनयूजुअल शोर सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अनीशा की मौत का जिम्मेदार उसके फ्लैट को ठहराया। उसने बताया कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था जिसने उस फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटकती है। लेकिन बाकी नेबर्स ने उस बूढ़े आदमी को झुठला दिया और पुलिस को अपने बयान में कहा कि वो सटिया गया है और वो कुछ भी बोलता रहता है। पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पर अनीशा की छवि नाम की एक दोस्त ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि ये सब एक लड़के रजनीश का किया धरा है। रजनीश अनीशा के स्कूल में पढ़ता था और उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो उसे सबसे पहले नीचे के एक जनरल स्टोर पर मिला था और उनकी वहां एक बार बात भी हुई थी। पर रजनीश और अनीशा की मुलाकात के अगले दिन ही अनीशा को एकदम से उसके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसे रजनीश ने करा था। रजनीश ने अनीशा को यह बताया कि वो उससे स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद रजनीश अनीशा को अजीब अजीब मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। अनीशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अनीशा को जगह जगह फॉलो करने लग गया। इसके बाद अनीशा बहुत डरी डरी रहने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनीश उसे हर जगह अपनी पल्सर बाइक और रेड हेलमेट पहने फॉलो करता रहता है। छवि ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो अनीशा को उसके घर छोड़ने गई थी तो उसने अनीशा के अपार्टमेंट्स के बाहर पल्सर बाइक पर
लाल हेलमेट पहने हुए एक आदमी को देखा भी था, लेकिन उस हेलमेट की वजह से छवि उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पुलिस ने जब रजनीश को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि रजनीश पिछले 10 सालों से यूएसए में रह रहा है। जब छवि को रजनीश की फोटोज दिखाई गईं, तो छवि ने कहा कि वो आदमी जिसे उसने देखा था वो एकदम दुबला पतला था और उस फोटो में रजनीश काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब साफ था, वो जो कोई भी था वो अनीशा को स्टॉक कर रहा था और रजनीश का झूठा नाम यूज कर रहा था। फिर पुलिस ने छवि के बयान के मुताबिक उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहां अनीशा उस आदमी से पहली बार मिली थी, पर उस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि हर सीसीटीवी फुटेज में अनीशा उस स्टोर के अंदर अकेली ही थी, उसके साथ कोई और नहीं था। पुलिस ने जब अनीशा के अपार्टमेंट्स की लॉबी और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें दिखा कि अनीशा कुछ रात पहले रात के करीब 1 बजे बहुत घबराई हुई अपनी सोसाइटी में घुसी और लिफ्ट में जाते ही रोने लगी। लिफ्ट में उसके साथ कोई नहीं था। एक जगह आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला लेकिन उसमें कोई घुसा नहीं, और तभी अचानक से वो सीसीटीवी फुटेज बंद पड़ गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसकी आगे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अनीशा सोसाइटी से बाहर निकली थी, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली। पुलिस ने उस लाल हेलमेट वाले स्टॉकर को हर जगह ढूंढा, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला और वो केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पर किसने मारा अनीशा को? क्या उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था, या फिर वो लाल हेलमेट वाला स्टॉकर वाकई अनीशा से प्यार करता था? और क्या ऐसा हो सकता है कि अनीशा ने उसके प्यार को यूज करके उसे ठुकरा दिया और इसी वजह से उसने अनीशा की जान ले ली? ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री लेकर आया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार अपनी नई मूवी फ्रेडी में, जहां एक शाय और इंट्रोवर्ट रहने वाला फ्रेडी एक लड़की के प्यार में बन जाता है एक मर्डरर। पर फ्रेडी ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके पास कोई भी और चारा नहीं था? क्या सच में किसी इंसान का प्यार उसे इस हद तक ले जा सकता है कि वो किसी की जान ले ले? क्या है फ्रेडी की मिस्ट्री? जानने के लिए चेकआउट फ्रेडी स्टारिंग कार्तिक आर्यन ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्ट्रीमिंग नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और दोस्तों 9 दिसंबर को मैं आ रहा हूं आपसे फेस टू फेस लाइव बातें करने, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज खूनी मंडे को जरूर फॉलो कर लें। और तब तक के लिए ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू खूनी मंडे।